आज पूरा देश क्रोधित है, पूरा देश आक्रोशित है और पूरा देश गुस्से से उबल रहा। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया है। ट्रैजिक ट्रैजिक डे फॉर इंडिया, 40 सीआरपीएफ जवान्स हैव बीन किल्ड इन द वर्स्ट टेरर अटैक अगेंस्ट सिक्योरिटी मैन इन कश्मीर एवर। ये हमला 2016 में उड़ी में हुए आतंकवादी हमले से भी बड़ा है और इसने पूरे भारत के धैर्य और सब्र को तोड़ कर रख दिया। हेलो माई पीपल, आई वेलकम यू टू डिफेंस लैड। टुडेज टॉपिक इज अबाउट द ब्लैक डे, वन ऑफ द बिगेस्ट टेरर अटैक इन इंडिया, दैट इज पुलवामा अटैक। डेट वॉज 14th of Feb 2019, वेन अ कॉन्वॉय ऑफ CRPF वॉज अटैक बाय अ कोवर्ड टेररिस्ट हु कुडंट डेयर टू फाइट विद देम। 40 सोल्जर्स वी लॉस्ट इन दिस अटैक एंड अ लॉट ऑफ देम वर सीवियरली इंजर्ड। आई हैव सम पोएटिक लाइन्स अबाउट दिस विच आर लाइक, कितनी माओ ने अपने बेटे खोए, कितनों ने भाई, कितनों ने अपने पति खोए और सबने खोए अपने देश के वीर सिपाही। वी ऑल नो अबाउट दिस बट स्टिल सम ऑफ अस आरंट क्लियर, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, हु डिड इट? अमर अलवी, ब्रदर ऑफ मसूद अजहर एंड मसूद अजहर अलॉन्ग विद हिज बॉडीगार्ड रोफ। द ऑर्गेनाइजेशन बिहाइंड दिस वॉज जैश ए मोहम्मद। ऑल ऑफ दिस हैव बीन प्रूव बाय इन्वेस्टिगेशंस। NIA, that is National Investigation Agency, has charge sheet of 13,500 pages, which has digital, forensic, documentary and oral evidences that states Jaish-e-Mohammed, Pakistan's army and Pakistan's ISI is behind this attack. लेकिन ये क्लियर अभी तक नहीं हुआ है कि एक्सप्लोजिव कितने अमाउंट में था, कहाँ से आया और कैसे आया। सो द सेकेंड क्वेश्चन इज हियर, 200 kgs of different types of explosive was used in this attack, which was packed separately. This is also stated in NIA's charge sheet. 35 kg of high-grade RDX was smuggled from Pakistan in 2018. Ammonium nitrate was ordered from Amazon. Gelatin rods were collected over time from construction sites. 160 kgs of explosive was packed in one packet and 40 kg in another packet. Now the third question comes. Did Indian forces respond to this? Indian Army conducted its first operation in order to retaliate on 3rd of March 2019 for Mudassir Ahmed Khan, Jaish commander, who was eliminated in Srinagar. Yahi nahi, abhi aur suniye. Second operation was conducted on 29th of March 2019 for Mohammad Umar Farooq. He used to work for Al-Qaeda also and was trained in Afghanistan in around 2016 or 17. यह अमर अलवी का चहिता था। अमर अलवी इसके साथ रेगुलरली सेल्फीज क्लिक करके जैश के नेटवर्क पर पब्लिश करता था। यही नहीं, अभी और सुनिए। थर्ड ऑपरेशन वॉज कंडक्टेड ऑन 29th ऑफ मार्च 2019 फॉर कमरान, IED एक्सपोर्टर। ही वॉज एलिमिनेटेड जस्ट 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अटैक साइट एंड दिस पर्सन वॉज क्लोज एड ऑफ मसूद अजहर। यही नहीं, अभी और सुनिए। ऑपरेशन वॉज कंडक्टेड फॉर सज्जद, द ओनर ऑफ कार विच वॉज यूज इन द अटैक, वॉज किल्ड ऑन 29th June 2019। फिफ्थ ऑपरेशन वॉज कंडक्टेड फॉर कारी यासिर, जैश कमांडर, ऑन 1st of January 2020। दीज वर द एलिमिनेटेड पिक्स बट वी ऑल्सो हैव अरेस्टेड पिक्स फॉर यू। शाकिर बसीर, हु अरेंज जेलेटिन स्टिक, इंशा जान, वैज उल इस्लाम, पीर तारिक अहमद शाह, मोहम्मद अब्बास रत्नर, बिलाल अहमद कुचे, मोहम्मद इस्माइल। इंडिया टुक दिस इशू इंटरनेशनली एज वेल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्ज द FATF टू पुट पाकिस्तान ऑन द ब्लैक लिस्ट। इंडिया रेज कस्टम ड्यूटी ऑन पाकिस्तानी गुड्स बाय 200%। नाउ द बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो कम्स हियर। IFA हैड डिफरेंट प्लान्स फॉर पाकिस्तान ऑन 26th of Feb 2019। And they conducted a nighttime airborne operation in Pakistan's territory in which they eliminated hundreds of Jaish terrorists. We are still recovering from the loss we had back in 2019. We are still fighting and will keep retaliating agar koi India par aankh utha kar bhi dekhta hai. That's all for today. Thanks for watching. Jai Hind. पाकिस्तान, कान खोल कर सुन ले, मत करना हिम्मत हमसे टकराने की, वरना विश्व के मानचित्र पर तेरा नामो निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा।